अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ वासिफ पठान और आप मुझे देख रहे हैं लाहौर हैंगआउट पे। आज मैं आया हूँ DHA फेज़ वन और ये एच ब्लॉक है, तो आए फिर चलते हैं DHA फेज़ वन एच ब्लॉक की मार्केट और देखते हैं कि हम क्या एक्सप्लोर करते हैं। वैसे मेरे पीछे मुझे थाली रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है, तो चले पहले इसी को क्यों ना एक्सप्लोर करते हैं। सुल्तान राही थाली रेस्टोरेंट पे हम हैं और यहाँ पे हमारे पास सुल्तान राही पिज़्ज़ा और साथ में एक थाली है। तो वैसे ये चिकन तंदूरी हांडी और साथ में ये बिहारी बोटी है और उसके साथ नान है, सैलड है और रायता है। लेकिन असल चीज़ जो है वो ये है, सुल्तान राही पिज़्ज़ा। और अब इसको मैं ट्राई करता हूँ। बिस्मिल्लाह, देखने में और अभी आपने बनते हुए भी देखा कितना जबरदस्त है। चीज़ है और साथ में जो इसकी बेस पे जो इन्होंने सॉस लगाई है और जो उसके ऊपर इन्होंने ब्लैक ऑलिव्स और चिकन की टॉपिंग की है और साथ में जो वेजेज हैं, एक बहुत ही परफेक्ट किस्म की बेक हुई हुई है। और मुझे तो पिज्जे का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। कमाल, ये है जी तंदूरी हांडी और यहाँ से इसको ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह, ज़बरदस्त किस्म की इसकी जो है ना वो गार्निश हुई हुई है, बनती हुई भी आपने देखी। ये इसका एक बाइट, तो जी ये अब एक बाइट मैं ट्राई करता हूँ। क्या कमाल चीज़ है, जिस तरह की गार्निश हुई हुई है और इस पर थोड़ा सा ना इन्होंने मुझे लगता है लेमन सा, तो थोड़ा सा खटास सी इसमें आ रही है, थोड़ा सा इन्होंने लेमन इस पर ऐड किया है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट है इसका। अच्छा, साथ में ये हमारी ग्रीन बिहारी बोटी है, ये बिहारी बोटी है और इसको अब मैं रायते के साथ ट्राई करता हूँ। यार फूड तो वाकई बहुत अच्छा, इंतहाई सॉफ्ट और बिल्कुल नॉन स्पाइसी। अच्छा, हांडी का भी मैं बता दूं, हांडी में भी ऐसे कोई खास स्पाइसेस बहुत ओवर स्पाइसी नहीं है। या इसमें इन्होंने ग्रीन चिली डाली हुई है और बाकी सारे स्पाइसेस इन्होंने पूरे बैलेंस किस्म के डाले हुए हैं, प्रॉपर कुक किस्म के। आपके इधर भी चिकन है और ये चिकन भी है। और खैर, पिज्ज़ा यार, पिज्ज़ा जो है ना वो तो नेक्स्ट लेवल है। अब एक नेक्स्ट जगह पे चलते हैं, देखते हैं हम और क्या एक्सप्लोर करते हैं। साथ में इसकी सॉसेज हैं और वेजिटेबल्स हैं। टर्किश डोनर आ तो चुका है, लेकिन अब इसको हैवी इतना है कि इसको खाना भी थोड़ा सा मुश्किल है। और अभी आपने देखा इसको बनते हुए, चिकन साथ में सॉसेज साथ में वेजिटेबल, चीज़ कितनी ज़बरदस्त है। और अब हम इसको ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह, एक बाइट और। जो इसमें सॉस डली हुई ना वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है, और जो चिकन ग्रिल हुआ है
वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और इसकी प्राइस है 395। ये चिकन में है, इंशाल्लाह किसी वक्त लैम भी ट्राई करेंगे। मुझे तो चिकन बहुत पसंद आया, चिकन जो है वो प्रॉपरली ग्रिल्ड है और साथ में जो सॉसेज है उसके साथ जब ये ग्रिल्ड चिकन जब मिक्स हो रहा है ना तो एक ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट बनता है। तो मुझे तो बहुत पसंद आया और मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग ट्राई करेंगे। ये है जर्मन टर्किश डोनर DHA फेज़ 1 और एच ब्लॉक से। तो आप लोग यहाँ मार्केट में आएँ और एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर करें। मैंने सिर्फ चिकन ट्राई किया है, इंशाल्लाह किसी वक्त ना इनका लैम डोनर भी ट्राई करेंगे। तो मुझे तो बहुत पसंद आया, तो अब मेरे से रुका तो जा नहीं रहा है। चीज़ बड़ी कमाल है। तो आइए फिर अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ चलते हैं। स्वीट क्रीम से और देखने में तो ये बहुत कमाल है और मैंने एक दफ़ा पहले भी ट्राई किया, मुझे तो बहुत पसंद है। इसलिए मैंने कहा आज की वीडियो को क्यों ना एक स्वीट नोट पे ख़त्म किया जाए और स्वीट क्रीम से चॉकलेट ब्राउनी विद आइसक्रीम। जो चॉकलेट है ना ब्राउनी बहुत ही सॉफ्ट है और साथ में जो आइसक्रीम है ना वो बहुत ही ठंडी है और प्रॉपर आइसक्रीम बनी हुई है। आपने देखा कैसे इसके स्वर्ल्स बने हुए हैं। तो चॉकलेट ब्राउनी बहुत ज़बरदस्त और बहुत सॉफ्ट है, टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत बिल्कुल स्वीट जैसी होनी चाहिए चॉकलेट ब्राउनी। और साथ में आइसक्रीम, मेरे हिसाब से जो बेस्ट आइसक्रीम है वो आपको स्वीट क्रीम से मिलती है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने आज का वीलॉग पूरा देखा होगा और आप लोगों को पसंद आया होगा। आज हमने DHA फेज़ 1 में एच ब्लॉक में कमर्शियल एरिया को एक्सप्लोर किया और हमने यहाँ से ट्राई किया, सबसे पहले थाली रेस्टोरेंट को ट्राई किया। पहले भी मैं नो डाउट ट्राई कर चुका था लेकिन मैंने आज इनका पिज्ज़ा जो कि था सुल्तान रही पिज़्ज़ा उसको हमने ट्राई किया और साथ में हमने इनकी तंदूरी हांडी और साथ में बिहारी बोटी ट्राई की जो कि बहुत ही ज़बरदस्त थी, स्पाइसी भी नहीं थी और सॉफ्ट बहुत ज़्यादा थी। और उसके बाद हमने जर्मन टर्किश डोनर ट्राई किया जो कि बेसिकली एक मिक्स है जर्मन और टर्किश कुजीन का। तो उसमें हमने जो उनका डोनर ट्राई किया इंतहाई सॉफ्ट और इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की उसकी सॉसेज थी। ब्रेड थोड़ी सी हार्ड थी बट ऑन एज ए होल बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था वो भी। और उसके बाद हमने एक स्वीट नोट पे इसको एंड किया। आज के वीलॉग को हमने स्वीट क्रीम से ब्राउनी विद आइसक्रीम के साथ एंड किया और ब्राउनी विद आइसक्रीम स्वीट क्रीम की मैं कहता हूँ इंतहाई लाजवाब है, मुझे तो बहुत पसंद आई। मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आएगी। अगर आप लोग ट्राई करना चाहें तो स्वीट क्रीम की बहुत सारी ब्रांचेज आप किसी से भी ट्राई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है आप लोग सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट करके मुझे अपने ख्याल तासरात एहसास और जज्बात से आगाह भी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।